Hey guys, thanks for watching and subscribing my channel. Keep liking and keep giving your support to this channel. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि how to make FMSCI racing license. कैसे बना सकते हो आप अपना racing license, either track racing, off-road racing. क्योंकि ये सवाल जो है मेरे से जितना पूछा गया है इतना कोई और सवाल नहीं पूछा गया है neither on YouTube comment section और Facebook के messenger के through या फिर Instagram account में messaging के through. तो ये सवाल मैं आई एम सॉरी कि मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को, बट उसका रीजन है कि मैं चाहता था कि उस वीडियो को जो मैंने डाला था हाउ टू बिकम अ रेसर इन इंडिया, उसको जब तक 10,000 व्यूज के अप्रॉक्स मिल जाएंगे तब मैं अपलोड करूंगा ये वीडियो. तो जो कि मैंने सोचा कि अब इतने रेगुलर बेसिस आई मीन डेली एटलीस्ट 10 to 15 पीपल आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि अब मैं ये वीडियो बना के अपलोड कर ही देता हूँ. सो गाइज, इफ यू वॉन्ट टू मेक एफ एम एस सी ए रेसिंग लाइसेंस, फर्स्ट बी क्लियर कि आपको कौन सा रेसिंग लाइसेंस बनाना है. आपको ट्रैक रेसिंग का बनाना है या आपको किसी और ड्रैग या ऑफ रोड रेसिंग का बनाना है? अगर आपको ट्रैक रेसिंग का बनाना है तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हो. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी एफ एम एस सी आई ऑफिशियल से बात हुई थी और मैंने आज की वीडियो बनाने से पहले भी ये रिकन्फर्म किया था फोन पे बात करके उनसे. अगर आपको ट्रैक रेसिंग का बनाना है तो एफ एम एस सी आई की वेबसाइट पे कुछ लिस्टेड अकेडमीज हैं फॉर टू व्हील एंड फोर व्हील दोनों के लिए. उनके थ्रू जब आप जाओगे, जब आप वहां पे सीखोगे तो वो जब क्लब्स लेटर देंगे आपको, उसके बाद ही आप ट्रैक रेसिंग का एफएमएससीआई लाइसेंस बना सकते हो. क्योंकि ट्रैक रेसिंग का मैंने अपने लिए भी कभी बनवाया नहीं था तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं था, तो मैंने उनसे कंफर्म किया इस बात को. मुझे आइडिया था कि क्लब के थ्रू होता है बट मुझे क्लियर नहीं था, तो दे कंफर्म मी कि आपको क्लब के थ्रू जाना पड़ेगा. वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से क्लब्स हैं जिनके थ्रू आप जाओगे पहले, जिनके पास आप जाके सीख सकते हो. जो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी पूछा था कि मेरे को कौन सा क्लब अच्छा रहेगा मेरे लिए सीखने के लिए कौन सा रहेगा, तो जो एफ एम एस सी के लिस्टेड क्लब्स हैं वो मैंने देखे आज, मैं उनके वेबसाइट पर सारा चेक किया तो बहुत सारे क्लब्स हैं, करीब 8-10 फोर व्हील के हैं, इतने ही टू व्हील के हैं. तो वो क्लब्स में जाके आप सीख सकते हो. मेजॉरिटी ऑफ क्लब्स जो हैं वो हैं आपके चेन्नई, कोयम्बटोर और बेंगलुरु में. सो गाइस, जैसा आप देख सकते हो मैं अभी FMSCI की वेबसाइट पे हूँ, FMSCI.co.in. जब आप ओपन करोगे तो ये वाला पेज ऐसे खुलता है. अब आपको जैसे इसमें देखोगे तो फॉर्म सेक्शन में जाओगे तो इसमें कॉम्पिटिशन लाइसेंस ऑनलाइन एंट्रेंट लाइसेंस का फॉर्म है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, परमिट एप्लीकेशन, मेंबरशिप फॉर्म अगर आप ईयरली मेंबरशिप लेना चाहते हो FMSCI का तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आप उसमें जाके वो देख सकते हो. रेलवे कंसेशन फॉर्म, आई डोंट नो इसका मेरे को आइडिया नहीं. जब अब आपका लेके चलता हूँ ये मोटर स्पोर्ट इवेंट जो सेक्शन है, इसमें आप जैसे जाओगे तो जो भी इवेंट होने वाले हैं अभी आगे अगले 6-8 महीने 1 साल में वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं. जैसे कार्टिंग है, टू व्हील रेसिंग है, अदर डिसिप्लिन क्लब इवेंट्स भी हैं, फोर व्हील रैली, फोर व्हील रेसिंग, बहुत सारे इवेंट्स, कैटेगरी ऑफ इवेंट्स यहाँ पे है. इसमें जब आप क्लिक करोगे, जैसे कार्टिंग में क्लिक करता हूँ तो ये देखो कि ये सारे इवेंट इनके ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जिसमें आप जाके तो पहले आप चूज करोगे आप किस इवेंट में जाना है, उस इवेंट की आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप पार्टिसिपेट कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते. उसके बाद आता है आपका कि आपको जो लाइसेंस चाहिए, कि मैंने जो आपको बोला कि ट्रैक रेसिंग के लिए आपको क्लब्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये देखो आप इस सेक्शन में FMSCI वाले सेक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है FMSCI accredited academies. अब आप जब इस पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा ऐसे, और इसमें जब आप देखो आप टू व्हील रेसिंग अकेडमीज, फोर व्हील रेसिंग अकेडमीज, कार्टिंग अकेडमीज, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखो आपका इसमें सारे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन सब आ गए. टोटल 11 अकेडमीज हैं जिनका पूरा डिटेल आया हुआ है यहाँ पे, चेन्नई, कोयम्बटोर और बेंगलुरु तीनों यहीं पे हैं. तो आप इसमें से किसी भी अकेडमी में बात करके उनके क्या शेड्यूल्स हैं, कैसे ट्रेनिंग का क्या फैसिलिटी है, कितनी फीस है, सब डिटेल जान के आप वहां पे जाके सीख उनके थ्रू जा सकते हो, उनके वहां पे जाके आप सीख सकते हो और उसके बाद अप्लाई कर सकते हो. नाउ इज द ऑफ रोड रेसिंग. अगर आपको ऑफ रोड रेसिंग में जाना है, जैसे कि एक FMSCI का लाइसेंस बनता है जो है रैली रेड एंड्यूरो हिल, या आप जैसे ड्रैग रेसेस होते हैं इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप इस पे दो तरीके हैं. एक तरीका है आप FMSCI को डायरेक्ट अप्रोच करो, या जो भी कोई क्लब अगर उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उस क्लब को आप डायरेक्ट अप्रोच करो.
अगर न्यू एंट्रेंट कैटेगरी उसमें अलाउड है, जैसे कि आप किसी रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जैसे रेडे हिमालय में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें अल्पाइन कैटेगरी होता है जो कि एक न्यू कमर के लिए होता है, न्यू एंट्रेंट जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। कई तो पुराने लोग स्पेशली जाते हैं उसमें, क्योंकि उसमें नए लड़के आते हैं तो जीतने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह का जो रेसेस हैं उसमें, जैसे वो अल्पाइन कैटेगरी में 3 दिन का ही होता है, तो इस तरह की पहले आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि आप जिस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें वो न्यू कमर को अलाउ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जैसे इसका एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि रेटे हिमालय से पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था तो मैं उससे पहले कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका था, बट मैं एज अ मेन राइडर या एज सच नहीं मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैंने एज अ मार्शल मेरे को एक्सपीरियंस था, एज अ राइडर मैंने कई इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, बट वो उस स्केल के इवेंट्स नहीं थे, ना मेरे पास एज सच कोई प्रूफ था। तो देन आई कन्विंस्ड जो है हिमालयन मोटर स्पोर्ट, और उनको मैंने भेजे वो पिक्चर्स या जो भी थे उनको कन्विंस किया, तो उन्होंने अग्री किया कि आप नेशनल फुल आप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो FMSCI तो मेरे को वो अलाउ करता नहीं, क्योंकि उनको तो पुराना एक्सपीरियंस चाहिए था, पुराना लाइसेंस चाहिए था। तो मैंने इनको अप्रोच किया और इनको मैंने अपना फॉर्म और सब फिल करके भेजा, फिर इन्होंने स्टैम्प लगाया उस फॉर्म पे और लिखा कि यस ही कैन पार्टिसिपेट, या जो भी उन्होंने अप्रूवल दिया कि हाँ हम अलाउ करेंगे इसको पार्टिसिपेट करने के लिए। देन उन्होंने ही वो फॉर्म FMSCI को भेजा वहां पे अटेस्ट करके, और फिर मेरा लाइसेंस जो है वो बन के आया, जो कि कुछ ऐसा दिखता है आपका, दिस इज FMSCI लाइसेंस जो आपको चाहिए। तो अगर आपको ये लाइसेंस बनाना है तो अब इसके दो तरीके हैं कि आप या तो FMSCI वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट FMSCI वहां पे फॉर्म्स हैं उस पे जाके भर दो आप, या फिर जो क्लब्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको अप्रोच करो, वो सब जुगाड़ लगा देंगे आपका, सब बता देते हैं। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप डायरेक्ट FMSCI को कॉल करके भी बात कर सकते हो, जो उनके वेबसाइट पे नंबर दिया हुआ है उसमें आप कॉल करो, देन दिल आस्क यू फॉर ऑप्शन की आपको किस लिए चाहिए, तो जब वो बोलेंगे लाइसेंस वाला ऑप्शन तो वो आप क्लिक करो, देन यू कैन यू नो आस्क एनीथिंग, जो भी क्वेरी है आपकी लाइसेंस बनाने को लेके। बट मैं फिर कहूंगा आपसे कि आप सीधा पहले ना लाइसेंस के लिए जा रहे हो, आप पहले बी फोकस, मतलब क्योंकि बहुत मेजोरिटी ऑफ लोगों का जो क्वेश्चन है कि मेरे को लाइसेंस कैसे बनाना है, मेरे को लाइसेंस चाहिए FMSCI का, FMSCI लाइसेंस का करोगे क्या, FMSCI लाइसेंस का अल्टीमेट क्या, वो पुलिस वाले को तो दिखाओगे वो तो चलेगा नहीं, कि कहीं आप सोचो कि नॉर्मल लाइसेंस की जगह, और नॉर्मल लाइसेंस तो चाहिए ही तभी आप FMSCI बना सकते हो। तो आपको अगर FMSCI लाइसेंस बनाना है तो फर्स्ट फाइंड अ रीजन कि क्यों बनाना है, किस इवेंट में जाना है। जब आपका इवेंट फाइनलाइज हो जाए ना, मेरे को इस इवेंट में जाना है, तब जाके आप कोशिश करो FMSCI लाइसेंस को बनाने की। पहले ही इस के पीछे मत भागो कि FMSCI लाइसेंस बनाना है। अगर टशन मारने के लिए बनाना है FMSCI लाइसेंस तो उसका कोई इतना अच्छा खास कुछ चिप वाला लाइसेंस नहीं है कि वो टशन मारने के लिए आप बना सकते हो, और एक साल के लिए बनता है फिर वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको रिन्यू कराना पड़ता है अगर आपका एक बार लर्न बन भी गया। जैसे मेरा ये लाइसेंस जो है दिस इज एक्सपायर्ड, तो अब मेरे को जब भी इसको बनाना है तो मैं रिन्यू करवाऊंगा तो ही ये वैलिड है, बट रिन्यू हो जाएगा इजीली क्योंकि पुराना मेरा बना हुआ है, एक बार बन गया तो फिर रिन्यू का इतना इशू नहीं है। तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि घंटी लोग दबाते नहीं है और व्यूज चैनल को आते नहीं है, और वो मेरे को बहुत डिमोटिवेट करता है, तो प्लीज प्लीज प्रेस दैट बेल आइकन।